सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। कांग्रेस पार्टी की पलामू जिला इकाई द्वारा आज नेताजी की जयंती अवसर पर कई कार्यक्रम किए गए। सर्वप्रथम डाटायन के सदीक मंजीत चौक पर स्थापित नेताजी की प्रतिमा पर कांग्रेस जनों ने जिलाध्यक्ष जयस रंजन पाठक की अगुवाई में श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात जिला कांग्रेस भवन में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए नेताजी को महान देशभक्त बतलाया और उनके आदर्शों को आत्मसात करने पर बल दिया। कहा कि युवाओं के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस सदैव पथ प्रदर्शक की भूमिका में रहेंगे। विचार गोष्ठी के उपरांत पलामू जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय हॉस्पिटल चौक के समीप NRC, NPR और CAA समेत महंगाई और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर एक दिनी धरना कार्यक्रम रखा गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष श्री पाठक ने कहा कि महंगाई और बेकारी जैसे ज्वलंत मुद्दे से भटकाने के लिए ही केंद्र सरकार द्वारा NPR CAA लाया गया है और सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा जनता भुगत रही है। कार्यक्रम को शिक्षा प्रकोष्ठ के चेयरमैन श्याम नारायण सिंह, नवल किशोर पाठक सहित कई वरीय नेताओं ने भी संबोधित किया और केंद्र की मोदी सरकार को कई मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया। समूचे कार्यक्रम का संचालन नसीम हैदर ने किया, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे।